गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। नालंदा में पुलिस जीप ने बच्चों को रौंदा, मौत के बाद भड़के लोग। पुलिस की जीप ने एक बच्चे को सड़क पर रौंद डाला है, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। यह घटना अस्थावा थाना क्षेत्र के मालती गांव की बताई जा रही है। बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या, रिश्तेदार ने ही ले ली जान। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। इसी कड़ी में बेखौफ अपराधी ने दिन दहाड़े एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या के बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए हैं और लोग दहशत में आ गए हैं। यह घटना मुस्थिल थाना क्षेत्र के हमरा गाँव का बताया जा रहा है। हो जाएं सावधान, शराब पीकर हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा भारी। जेल में काटनी होगी रात, सिविल ड्रेस में घूमेंगे सैकड़ों पुलिस वाले। हो जाइए सावधान, नए साल का जश्न मनाते समय अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो इसका आपकी न्यू ईयर की पहली रात हवालात में कटने वाली है। बिहार पुलिस की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गश्ती के लिए 1500 पुलिस वालों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो होटल और पार्कों में गश्त करते नजर आएंगे। शराब पीकर उत्पात मचाने वाले लोगों को विशेष निगरानी रखी जाएगी। पटना में कोरोना से थानेदार की पत्नी की मौत, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक भी पॉजिटिव। बिहार में कोरोना वायरस को लेकर संकट अभी टला नहीं है। बिहार में रविवार को कोरोना के 545 नए मामले सामने आए थे, जिसमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की मौत होने का मामला 1383 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4923 एक्टिव केस हैं। इन मरीजों का इलाज चल रहा है। अरुण जेटली की जयंती आज, सुशील मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की आज 68वीं जयंती है। इस मौके पर आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और दिव्यांगत भाजपा के नेता अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर पटना के कंकड़बाग में नवनिर्मित पार्क में उसकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रंगदारी मांग रहे बदमाश हुए भीड़ के गुस्से का शिकार, पीट पीट कर मार डाला गया। बिहार में सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर आक्रोशित भीड़ का तालिबानी रूप देखने को मिला, जहां रंगदारी की मांग करने पहुंचे दो अपराधियों की आक्रोशित भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना सोनवर्षा थाना क्षेत्र के दक्षिण म्यूवरा गांव का बताया जा रहा है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर में तिरंगा यात्रा। भागलपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में भागलपुर के स्टेशन चौक से निकला तिरंगा यात्रा। वैरायटी चौक खलीफाबाग चौक होते हुए कांग्रेस कार्यालय दीप नगर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ता भारत माता का जयकारा लगाते हुए नजर आए। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी, हालांकि कोरोना के संक्रमितों की संख्या में कमी आ गई है, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी करने के अनुसार कोरोना के 309 नए मरीज पाए गए हैं। इस मरीजों में सबसे अधिक संख्या पटना जिले से आ रही है, जहां कोरोना के 121 नए मरीज पाए गए हैं। नवगछिया में ई रिक्शा चालक संघ ने अनुमंडल परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर जिले के नवगछिया में बाजार क्षेत्र में आए दिन लगातार जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात पाने के लिए नवगछिया बाजार में क्षेत्र में आगामी 1 जनवरी 2021 से ई रिक्शा के रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके विरोध में नवगछिया अनुमंडल परिसर में सैकड़ों ई रिक्शा चालक जमा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, अब सीनियर भी कर रहे हैं उनकी मांगों का समर्थन।
बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है। बुधवार को एक साथ राज्य के सभी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का बुरा असर राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रही है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हो चुके हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747।